ऑल राइट, तो आज की वीडियो में बात करते हैं पांच ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको मिलते हैं 15,000 से 20,000 वाले प्राइस सेगमेंट में जून 2024 के महीने में। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बढ़िया ऑप्शंस रहने वाले हैं। पांच स्मार्टफोन्स बताऊंगा, पांचों स्मार्टफोन्स तगड़े स्मार्टफोन्स होंगे। आपको पता है भाई कि हमारे चैनल पर 5-4-3-2-1 की गिनती हम नहीं करते हैं। पांच स्मार्टफोन्स, पांचों तगड़े स्मार्टफोन है। डिपेंड करेगा आपके ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपके लिए पांचों में से कौन सा सही रहता है। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड गाइस अगर ऐसे ही कंटेंट में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमेशा हम स्टार्ट करते हैं नॉन चाइनीज ऑप्शन के साथ में, लेकिन इस सेगमेंट में अभी कोई भी नॉन चाइनीज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस स्मार्टफोन बताऊंगा जिसके बारे में जान के आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। एंड यस, टोटल वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहने वाला है। लेकिन वीडियो को आज हम स्टार्ट करेंगे क्लीन यूआई वाले स्मार्टफोन के साथ में। अगर आपको ऐसा स्मार्टफोन खरीदना है जहां पर आपको कोई ब्लोटवेयर्स नहीं मिले, कोई एड्स नहीं मिले, लेकिन यूआई का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे, OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Nord CE 3 आप परचेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन, फ्लूइड एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया आपको मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G चिपसेट आपको मिलता है जो कि बढ़िया चिपसेट है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा, एंड गेमिंग भी आपको डिसेंट करा देता है, तो वहां आपको शिकायत नहीं आती है। कैमरास की अगर बात करेंगे तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 50+8+2 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा OIS के साथ में, एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल, कैमरा आउटपुट दोनों बढ़िया है। 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलती है 80 वॉट की चार्जिंग के साथ में, और सबसे अच्छी बात की 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एंड हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको मिलता है। इस फोन का 8GB+128GB वाला वेरियंट आपको मिलता है मात्र 18,999 रुपए में। क्लीन यूआई वाला फोन लेना है अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में, OnePlus Nord CE 3 आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। इसके बाद में कैमरा लवर्स, अगर तगड़े कैमरा वाला फोन लेना है तो इस सेगमेंट में आपको मिलता है Realme Narzo 70 Pro, जहां पर कैमरा आपको बहुत आउटस्टैंडिंग मिलता है। सबसे पहली बात, ग्लास बिल्ड पर आपको फोन मिलता है, ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक आपको मिलता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, IP54 की रेटिंग है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में, एमोलेड पैनल दिया गया है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट आपको मिलता है जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देता है। डे टू डे की परफॉर्मेंस, गेमिंग की परफॉर्मेंस दोनों आपको बढ़िया मिल जाती है। कैमरास की बात करेंगे, 50+8+2 मेगापिक्सल्स के तीन कैमरास आपको पीछे की तरफ मिलते हैं, OIS का सपोर्ट आपको मिलता है, सोनी IMX882 सेंसर यहां पर आपको दिया गया है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है, कैमरा मॉड्यूल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बैटरी की बात करेंगे, 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलती है, 67 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में, 67 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको दिए गए हैं, लेकिन कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं मिलता है। और इस फोन का 8GB+128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 19,999 रुपीस में। अच्छे कैमरा वाला अगर आपको स्मार्टफोन लेना है, Realme Narzo 70 Pro आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। इसके बाद में गेमिंग, अगर आपको सॉलिड गेमिंग करनी है, आईको Z9 5G परचेस कर लेना भाई, गेमिंग बहुत अच्छी करा देगा आपको। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है, IP54 की रेटिंग आपको मिलती है, 6.7 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में, सुपर एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, डिस्प्ले क्वालिटी आपको बढ़िया मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट आपको मिलता है जो कि इस सेगमेंट में किसी और स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है। परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देगा, गेमिंग आपको बहुत अच्छी करा देता है, तो वहां आपको शिकायत नहीं आती है। कैमरास की बात करेंगे, दो कैमरास के सेटअप पीछे की तरफ है, 50+2 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप है OIS के साथ में, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है, कैमरा मॉड्यूल, कैमरा आउटपुट डिसेंट है। बैटरी की बात करेंगे, 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलती है, 44 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 44 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, टाइप सी वाला पोर्ट यहां पर दिया गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं, एंड हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको दिया गया है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। इस फोन का 8GB+128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है मात्र 19,999 रुपीस में। तगड़ी गेमिंग अगर आपको करनी है, आईको Z9 5G आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं।
इसके बाद में ऑलराउंडर स्मार्टफोन ऑफ द सेगमेंट, और यहां पर मैंने पिक किया है पोको की तरफ से आने वाले पोको X6 5G को। मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है, IP54 की रेटिंग यहां पर आपको मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिलता है, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन बहुत अच्छा है, 6.67 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में 12-bit का AMOLED पैनल दिया गया है, जहां पर डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन मिलता है, HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले मिलता है, एंड 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी यहां पर आपको मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट यहां पर आपको दिया गया है, जो कि मस्त परफॉर्मेंस आपको देगा, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देगा, तो परफॉर्मेंस में शिकायत आपको नहीं आएगी। कैमरास की बात करेंगे, 3 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलता है, 64+8+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास हैं, OIS का सपोर्ट आपको मिलता है, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है, कैमरा मॉड्यूल कैमरा आउटपुट डिसेंट है, कैमरा में आपको शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की बात करेंगे, 5100mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलती है 67W की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में, एंड 67W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया जाता है, चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिल जाते हैं, लेकिन कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं मिलता है, और इस फोन का 8GB+256GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 18,999 रुपीस में। अल्टीमेट ऑलराउंडर स्मार्टफोन ऑफ द सेगमेंट अगर आपको पिक करना है, पोको X6 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। एंड नाउ द बोनस स्मार्टफोन ऑफ द सेगमेंट, अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन खरीदना है, OnePlus Nord 3 आप परचेस कर सकते हैं, और OnePlus Nord 3 पर अभी आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है भाई। ये जो स्मार्टफोन है 8GB+128GB वाला वेरिएंट आपको मिल रहा है मात्र 19,999 रुपए में, लेकिन कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपको अच्छा स्मार्टफोन खरीदना है, बजट है आपका 20,000 के आसपास, और अभी ही आप डिसीजन ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से OnePlus Nord 3 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको ग्लास बिल्ड मिलता है, ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक आपको मिलता है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में, फ्लूइड एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, MediaTek Dimensity 9000 का चिपसेट आपको मिलता है, मस्त परफॉर्मेंस आपको देता है, UFS 3.1 का स्टोरेज भी यहां पर आपको दिया गया है। कैमरास की बात करेंगे, 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 50+8+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास पीछे की तरफ है, OIS के साथ में, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है, कैमरा मॉड्यूल और कैमरा आउटपुट बहुत अच्छे निकल के आते हैं। बैटरी की बात करेंगे, 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है, 80W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है, 80W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं, एंड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं मिलता है। इस फोन का 8GB+128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 19,999 रुपए में। माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग स्मार्टफोन अगर आपको खरीदना है, 20,000 के आसपास आपका बजट है, OnePlus Nord 3 आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। तो गाइस ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं 15,000 से 20,000 वाले प्राइस सेगमेंट में, और जून 2024 के महीने में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बढ़िया ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन हमें भी बताओ भाई साहब कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। जब भी आप फोन खरीदते हैं तो सबसे पहले फोन में क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान आप किस चीज पर देते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।